सो हेलो, जैसे कि आप देख सकते हो अभी नीट एग्जाम आने वाला है 2022 में, लाइक जून जुलाई में आई थिंक नीट का एग्जाम होने वाला है। ठंडा रिसेंट न्यूज़ जो आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। सो बेसिकली आप सोचते होंगे कि अब क्या करना है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे सिलेबस अभी तक ऐसा होगा कि आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप रिवाइज कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट पेपर भी नहीं कर पा रहे होंगे अटेम्प्ट, राइट? आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो या कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन बच्चे मॉक टेस्ट पेपर दे पा रहे हैं रोज़। सो आपको एक टाइम बनाना है, लाइक मॉक टेस्ट पेपर उसी टाइम पर देना जब आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, लाइक 2 to 5 इस टाइम से। सो देखो बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर आपने अभी प्रिपरेशन कर ली है या फिर अभी प्रिपरेशन बचा हुआ है तो व्हाट यू कैन डू, आप NCERT में पढ़ी रहो, साइड बाय साइड मॉक टेस्ट पेपर भी देते रहो। लाइक एक ट्रिक आप कर सकते हो, लाइक मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए सबसे पहले तो आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, ज्वाइन नहीं कर किया है आपने, सो आप क्या कर सकते हो, NTA के साइट पर जो सैम्पल मॉक टेस्ट है वो ट्राई करो देने का। उसमें क्या करो, आप टेस्ट दो मत, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत बच्चे केमिस्ट्री वीक होती है तो और बहुत सारे टॉपिक्स वीक है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री में चीटिंग एक वे है, चीट कोड। सो व्हाट यू कैन डू, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप ऐसा अज्यूम करो कि आपके सामने एक क्वेश्चन है और उसको आपको चीटिंग करना है, राइट? तो आप क्या करो, फोन में कंप्यूटर में या फिर कहीं पर भी आप क्वेश्चन है और आप फ़ोन में उसको उसके आंसर को, मतलब आप सपोज करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने आपका फ़ोन भी, आप चीटिंग भी कर सकते हो और वहाँ पे क्वेश्चंस है और आपको चीटिंग करके उसका आंसर आप फाइंड करना और टिक करना है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या कर लोगे, आप बोर नहीं होंगे। बिकॉज क्या होता है कभी कभी कि हम मॉक टेस्ट पेपर देने टाइम इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं, आधा मोटिवेशन तो डाउन हो जाता है, बिकॉज 10-15 क्वेश्चन के बाद ही लगता है कि अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, राइट? सो आपको, आपके माइंड को लगता है कि ये सब क्या पढ़ रहे हो, मतलब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो इससे अच्छा पढ़ने चला जाता हूँ, फिर उसके बाद या फिर जाती हूँ उसके बाद मैं इस मॉक टेस्ट पेपर को दूंगा या दूंगी। बट आप क्या करो, आपको अगर 3 hours का टाइम डिवोट करना है सो आप चीट कर सकते हो उस टाइम पे। या दिस इज़ रियली बैड।